मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नए साल के अवसर पर पूरे प्रदेश को कांग्रेसमय कर दिया है। कांग्रेस ने आने वाले सरकार के रूप में दावा करते हुए पूरे प्रदेश में बैनर लगवाए हैं, जिनमें छटने को है अंधकार, आ रही है कमलनाथ सरकार का स्लोगन दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश के पूर्व ही नहीं बल्कि भावी मुख्यमंत्री भी है। नए साल में आ रही कांग्रेस सरकार, इस तरह के होर्डिंग पोस्टर और बैनर जगह जगह लगा दिए गए हैं। तमाम कांग्रेस नेताओं के नाम से इस तरह के पोस्टर्स और होर्डिंग से भोपाल की सड़कें अटी पड़ी हैं। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस तरह के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है और ये चुनावी साल है और कांग्रेस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, जिसके तहत कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री की संज्ञा दी है और जगह जगह होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जनमत हासिल किया था और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। कमलनाथ सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहित के फैसलों से घबराकर बीजेपी परेशानी में आ गई थी। इस बीच सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस के साथ छल किया और बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली। कांग्रेस ने इसे सौदेबाजी की सरकार की संज्ञा दी थी। कांग्रेस का कहना है, अब प्रदेश की जनता ने बीजेपी के इस दुस्साहस का बदला लेने का निर्णय किया है। कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और बीजेपी अपने जीवन काल की सबसे बड़ी पराजय का मुंह देखने जा रही है। कांग्रेस का कहना है, मध्य प्रदेश में बीजेपी 30 से कम सीटें जीतेगी, वहीं कांग्रेस 200 सीट पर बेहद मजबूत स्थिति में है। ये कांग्रेस के सर्वे की बातें हैं। कांग्रेस का अनुरोध है लोगों से कि जन भावनाओं का आदर करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को 1 जनवरी 2023 से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं भावी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करें। कांग्रेस ने कहा है कि कमलनाथ के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री की जगह भावी मुख्यमंत्री संबोधन का उपयोग किया जाए। कांग्रेस का कहना है, इस बार हमारा मध्य प्रदेश की जनता के साथ महागठबंधन हुआ है, जनता जरूर जीतेगी और बीजेपी का अहंकार धराशायी होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।